बबूल के वृक्ष से अदृश्य होने की शक्ति कैसे प्राप्त करें, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आज का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि यह जानकारी कोई नहीं बताने वाला। बहुत दुर्लभ बात है और बड़े काम की बात है, जो आपका भविष्य ही सुधार कर रख देगी। बबूल का वृक्ष, जिसे सप्तऋषियों ने अमृत बताया है और जिसे आज तक आप व्यर्थ ही समझते थे, ध्यान से देख लीजिए। इस पेड़ को आपके घर के पास तो जरूर ही मिलेगा, क्योंकि घने जंगलों में माँ पृथ्वी आपके लिए इसे स्वतः ही उगा भी देती है, क्योंकि पृथ्वी तो माँ है, ना चाहती है केवल आप खुश रहो, संपन्न रहो। और सैकड़ों ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बताया भी है, लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य का कि वह इन पेड़ पौधों को तुच्छ समझता है। लेकिन आज हम आपको इसी विषय से अवगत करवाएंगे कि बबूल के वृक्ष के कितने लाभ है। तंत्र में भी और आयुर्वेद में भी धन की समस्या हो या समस्या शत्रु की हो, यह सभी में काम आने वाली एक रामबाण औषधि है। इसी के साथ इसके कुछ ऐसे प्रयोग भी बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल तंत्र में विशेष रूप से विशेष कामों को करवाने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही इसके सैकड़ों स्वस्थ लाभ भी बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हर हर गंगे माँ हर हर पृथ्वी माँ जरूर लिख देना, क्योंकि सब उन्हीं की देन है। आज हम जिंदा भी उन्हीं की वजह से है। तो आइए जानते हैं इसके आश्चर्यजनक लाभ, जो आपको हैरान करने वाले होंगे। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की खास वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बबुल वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि बबुल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता। बबुल वृक्ष पर प्रेत आत्मा, देव आत्मा एवं यक्ष और यक्षिणी का वास माना जाता है। जो लोग यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं, वह भली भांति जानते हैं। अगर उन्हें यक्ष या यक्षिणी साधना में सिद्धि मिली हो, तो कई जो यक्ष कहे गए हैं, वह धन देने वाले यक्ष है। जैसे कुबेर देवता भी एक यक्ष ही है, इस प्रकार की यक्ष बबुल के वृक्ष पर निवास करते हैं। योगिनी का भी स्थान बबुल के वृक्ष पर माना जाता है। भूत प्रेत, यह जो काली शक्ति कहे गए है, यह भी बबुल के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो इसके इससे संबंधित एक जुड़ी कथा बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी से यह जो कथा है, यह संबंधित है। तो एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यह वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है जो श्री रामचंद्र श्री रामचरितमानस की रचना की है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब शोध से आते थे, तो मैं एक बबूल का सूखा वृक्ष था। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी शोध से आते थे, उस समय थोड़ा सा शोध का पानी वह बचा करके ले आते थे और नित्य बबूल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें पानी को डाल देते थे, और उस वृक्ष पर एक बुजुर्ग प्रेत आत्मा रहता था। नित्य गोस्वामी तुलसीदास जी के शोच का बचा पानी बबूल के वृक्ष पर डालने से वह वृक्ष 4 महीने के भीतर में पुनः हरा भरा हो गया। बिल्कुल ही दोस्तों ऐसा नहीं था, पहले तो जो बबूल का वृक्ष था सूख गया था, लेकिन 4 महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी शोच का पानी नित्य उसमें डालते तो वह हरा भरा हो गया, और उस वृक्ष पर रहने वाले प्रेत आत्मा भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बहुत प्रसन्न हुआ, और तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी के उस कार्य से वह प्रसन्न होकर के उससे वर मांगने को कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे राम दर्शन की गुप्त जानकारी प्राप्त की। दोस्तों आज भी बबूल के वृक्ष पर शक्तियों का वास होता है, चाहे दिव्य शक्ति ले लीजिए, चाहे प्रेत शक्ति ले लीजिए, चाहे यक्ष शक्ति ले लीजिए, लेकिन हमें ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए बिना गुरु के। तो भूल कर भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। भविष्य ज्ञान चैनल में दोस्तों मैं आप लोग को जो जानकारी बता रहा हूँ, केवल आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप समझ सके और जान सके इन वृक्षों की शक्तियों को। प्राचीन समय में अधिकतर लोगों को आपने यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि बबुल वृक्ष के पेड़ के आसपास में रात्रिकालीन में नहीं जाना चाहिए, शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि बबुल वृक्ष के नीचे प्रेत आत्माओं का एवं दिव्य आत्माओं का वास माना जाता है। तो दोस्त आयुर्वेद के अनुसार यह थे कुछ प्राचीन कथा, कुछ तंत्र की जानकारी दोस्तों अब बताना चाहूंगा। आयुर्वेद के अनुसार बबुल की छाल, पत्तियां, गोंद एवं फली यह अनेक प्रकार के असाध्य बीमारी को भी ठीक कर जाते हैं। यह अनेक प्रकार के आपको आयुर्वेदिक लाभ पहुंचाते हैं एवं साध्य असाध्य दोनों प्रकार की बीमारी को ठीक कर आपको स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू जुड़े रहना है। वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपको हम बहुत से प्रयोग बताएंगे। अगर भविष्य ज्ञान चैनल से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, अगर हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे परिवार बढ़ते हैं, और इस प्रकार के पेड़ पौधे की जो जानकारी मैं यूट्यूब चैनल जन कल्याण के लिए वीडियो बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ जिससे सभी को लाभ पहुँचे। अगर आपके शरीर से दुर्गंध आती है और आप अपने अधिक पसीना आने की बीमारी से परेशान हैं, तो दुर्गंध की समस्या को यह रोकता है। बबूल की पत्ती और छाल, ध्यान से सुनिए। बबूल की पत्ती और छाल, जिसे हम छोटी हरण बोलते हैं, यह दोनों को बराबर महीन पीस ले और इसके चूर्ण को बदन पर अगर आप मालिश करते हैं,
नहाने से पहले तो इससे बड़ी से बड़ी दुर्गंध आने की समस्या जो शरीर से दुर्गंध आती है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब भी अगर आपको चोट लग जाए या जख्म हो जाए तब आप इसकी पत्तियों को पीस कर लगा ले, यह बिल्कुल एक एंटीसेप्टिक की तरह कार यह करता है। से गहरे से गहरा घाव भी जल्दी भर जाता है और तेजी से जख्म ठीक हो जाता है। अगर जंगली इलाके में और अगर किसी पशु को चोट लग जाए और वह ठीक होने में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो दोस्तों यह पुण्य कार्य आप कर सकते हैं, उस पशु की जान आप बचा सकते हैं। आप केवल बबुल के पत्ती को सुखा करके दोस्तों पशु जहां पर पशु के हाथ पैर में घाव बना हुआ है, चोट लगी है, वहां पर बांध दीजिए। कुछ दिनों के भीतर में वह रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब अगर आपके शरीर की कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, खोई हुई ताकत है, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए बबूल का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल के कौन से हिस्से का प्रयोग करना है दोस्तों? बबूल की जो फली कहे गए हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बबूल की जो गोंद भी आते हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। खोई हुई ताकत पाने के लिए तो इसे आधा चम्मच इस फली के चूर्ण को, इसके जो फली है इसके चूर्ण को आधा चम्मच दूध में डाल करके पीना होता है। और भी अत्यधिक जानकारी लेने के लिए दोस्तों किसी योग्य जो आयुर्वेद के जानकार है, सलाहकार, उनके परामर्श से आप ले सकते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताना चाहूंगा जो कि दोस्तों आपको आगे जीवन में काम आएंगे, क्योंकि दोस्तों भविष्य ज्ञान चैनल में हम केवल धार्मिक जानकारी नहीं बताते हैं, तांत्रिक जानकारी भी बताते हैं, आयुर्वेदिक जानकारी भी बताते हैं, ताकि दोस्तों आप लोग इसका कई प्रकार के प्रयोग को सीखे रहे और निकट भविष्य में जो परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधे के माध्यम से आप अपने परेशानी को सहज ही दूर कर पाएंगे। तो दो दोस्तों बबुल के वृक्ष पर ध्यान से सुनिए, चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों, तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूँ मनोकामना पूर्ति करने के लिए, ठीक है? तो बबुल के वृक्ष पर अब दोस्तों किसी भी, जैसे कि शुक्रवार के दिन है, उस दिन से यह कार्य शुरू कर सकते हैं। तो बबुल के वृक्ष पर काला धागा बांधे, कौन सी धागा बांधना है? काला धागा बांधना है और 21 दिनों तक उस बबुल के वृक्ष पर आपको कच्चा दूध डालना है। उसके जड़ में स्नान ध्यान करने के बाद आपको कच्चा दूध डालना है। तो दोस्तों अगर आप निरंतर 21 दिनों तक ऐसा करते हैं तो ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखे है कि अदृश्य शक्ति प्रकट होकर के 3 वरदान देती है। यह जानकारी केवल आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, यह कार्य प्रयोग करके नहीं देखना है दोस्तों। यह कार्य भयानक भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। केवल यह प्रयोग मैं आप लोगों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो बबुल वृक्ष में रहने वाली जो दैवी शक्ति होती है, असुरी शक्ति होती है, प्रकट होकर के 3 वरदान आप लोगों को देती है। जो भी 3 वरदान है आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बबुल की जड़ को ध्यान से सुनिए, एक बाल बबुल आता है। बबुल की 3 प्रजाति होती है, एक जो हम हमारे घरों के गांव के आसपास में जो होता है, शहरों के आसपास में होता है वह बबुल, और एक इनके छोटे स्वरूप जो कि तंत्र में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है जिसे हम बाल बबूल बोलते हैं। तो बाल बबूल इससे छोटा होता है। बाल बबूल में बबूल और बाल बबूल में यह फर्क है कि बाल बबूल में फलियां आती है, जी हाँ दोस्तों सेम की तरह फलियां आती है, और बबूल में जो दोस्तों फली जो आती है बड़ी आती है, यही थोड़ा इसका फर्क है, आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो बाल बबूल की जा को अगर दोस्तों भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को अगर सुंघा दिया जाए तो भूत प्रेत उस व्यक्ति को छोड़ करके भग जाते हैं। बाल बबूल की जड़ को घर में बांधने से यह घर को सुरक्षा कवच की भांति सुरक्षित करके रखता है। किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया आपके घर में लगने नहीं देते, कई प्रकार के साध असाध्य बीमारी से आपके घर को बचा करके रखते हैं। आपके अगर घर में तंत्र क्रिया कोई करे तो उसे भी काट देता है, अर्थात दोस्तों यह बाहर फेंक देता है। तो बाल बबूल की जड़ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर बांध करके रखें, या फिर दोस्तों यह लाते हैं तो पूजन स्थान में जरूर रखें, बहुत सारी सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अगर आपको डर लगा रहता है कि आपके घर पर कोई कुछ करवा ना देवे तो आप बस इतना करें कि इसकी जड़ को किसी भी सोमवार को ले आएगा और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देने मात्र से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचाव मिलता है। यह बहुत सारे बीमारी में इसका प्रयोग भी होता है, जैसे अगर आपके चेहरे पर मुहासे बहुत अधिक होते हैं तो इसकी पत्तियों को पेस्ट बनाकर लगाने से चेहरा गोरा एवं चमकदार हो जाता है और फिर मुहासे आने की समस्या जड़ से ही समाप्त भी हो जाती है और फिर कभी भी मुहासे की समस्या से नहीं जूझ पड़ता है। अगर आपको कहीं पर बाल तोड़ हो जाए तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगा लेने से वह घाव तुरंत भर जाता है और बाल तोड़ की समस्या उस स्थान पर फिर दोबारा नहीं होती है। और बबूल के फूल के तो फायदे ही बेमिसाल है, इसके फूल में धनदायक यक्ष का बसेरा कहा गया है।
अगर इसका एक फूल तोड़कर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाया जाए और लक्ष्मी माँ के मंत्र का जप आप निरंतर करते रहे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पैसा इतनी तेजी से खींचने वाला यह फूल है कि आपको लाभ ही लाभ होगा और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसके फूलों से लक्ष्मी माँ के मंत्रों को कैसे सिद्ध करना है यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसके और भी अनेक प्रयोग बताऊंगा जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी बताऊंगा और भी बबूल के बारे में। तो दोस्तों मैं जल्द आप सभी से पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण और एक अच्छी जानकारी के साथ। दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद। नमस्कार।